छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्राम लिमोरा में मातर का त्योहार मनाया गया है। प्राचीन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और नगरवासियों की बारिश से रक्षा की थी। इसी की याद में छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के ग्राम लिमोरा में यादव समाज मातर का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में गोठान पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर विशेष पूजा की जाती है। इस दिन ग्वाला समाज की महिलाएं गोठान में गायों को गोवर्धन की मूर्ति को चारों ओर घुमाते हैं। गायों के पैरों के नीचे कद्दू को छोड़ दिया जाता है। बालोद से खिलाबन चंद्राकर की रिपोर्ट। दीपावली के दूसरे दिन कहा जाए भाई दूज जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे गांव में प्राचीन समय से, जिसको मेरे ख्याल से अगर मैं 60-70 साल के बुजुर्गों को भी पूछूं, उनका कहना है हमारे यहाँ प्राचीन समय से माता उत्सव मनाया जाता है। हमारे ग्राम लिमोरा में बहुत ही धूमधाम तरीके से, प्राचीन तरीके से, पारंपरिक तरीके से आज भी मनाया जा रहा है। और जैसे जैसे बुजुर्गों का दिया हुआ है, जिनकी जो परंपराएं निभा रहे हमारे ग्रामवासी, आज भी उसको तत्परत जारी किए और आदिवासी समाज के द्वारा बसाया गया हुआ है। उनके ही पारंपरिक त्यौहार को हम पूरे ग्रामवासी, कहा जाए तो यादवों का ये प्रमुख त्यौहार है और हम समस्त ग्रामवासी मिलजुल के इस त्यौहार को अभी तक मनाते आ रहे हैं। जो मातर उत्सव है लगभग 45-50 साल से मतलब लगातार मनाते आ रहे हैं कि दीपावली मनाते हैं, उसके बाद में भाई दूज होता है और भाई दूज के बाद में हम लोग मतलब ये मातर मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इस मातर से हमारे गांव की देवी देवताओं का भी मान सम्मान होता है।